21,000 सैलरी पे आप ही जॉब करते हैं, आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया है वो मंत्री को, उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश के अपहरण में जाएगा। ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब बचे हुए ऊपर, इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। और इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा। ठीक है, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का, जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है। और हम इस देश के हैं, अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही है, मंजूर है, हम मरेंगे। अरे रुको, पश्चिम।